ज्यादा बात करने से ज्यादा काम करने की कोशिश करो। अकेला ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ। अपने आप को समय दो। अपने बुरे आदतों को ना कहने की हिम्मत रखो। अपने आप से हमेशा से सच कहने की हिम्मत रखो। आपके जीवन में जो सपना पाना संभव है, उससे बड़ा सपना पाने के लिए मेहनत करो। अपने अलग रास्ते से चलने का साहस रखो, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकाना पड़े। बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर बस अपने ऊपर काम करो। आप एक अलग जीवन के लिए बाकी में कैपेबल हो। अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं अपने जीवन से बाकी में खुश हूँ। अगर जवाब ना है तो फिर अपने ऊपर काम करो। जो लोग अपने सपनों के लिए संघर्ष करते जाते हैं, वही लोग उस जीवन को पा लेते हैं जो वो चाहती है। आपको खुद को बदलने के लिए क्या करना होगा? आपको अपने जीवन में सफल बनने के लिए अपने पैशन को फॉलो करते जाना होगा। आपके पास अगर पैशन होगा तो फिर परिस्थिति चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप बस चलते चले जाओगे। आपके पैशन को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आपके सामने चाहे जितनी भी बाधाएं आए, आप अपने पैशन के दम पर ही आगे चलते जाओगे। आप अपने लक्ष्य को जितना ज्यादा मीनिंग देते जाओगे, तो फिर आप अपने लक्ष्य से उतना ही ज्यादा जुड़ते चले जाओगे। सफलता की राहों में आपके बार बार हारना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जितनी भी बार नीचे गिरोगे, उतनी ही बार बस नया कुछ सीखते चले जाओगे। हार का मतलब बस हार नहीं होता, हार का मतलब एक नया सीख होता है। आपको खुद को ग्रो करने के लिए नया कुछ करना ही होगा। आपके कॉम्फर्ट जोन से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आपको अपने अंदर पैशन के साथ साथ धैर्य भी रखना होगा। ज्यादातर लोग अपने पैशन के ऊपर दो दिन काम करने के बाद ही सब कुछ चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला। आपको धैर्य को हर वक्त बरकरार रखना होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसान को बड़ा बनाता है, वो है उनके खुद के ऊपर विश्वास। विश्वास एक ऐसा ताकतवर चीज है जिसके मदद से इंसान पहाड़ हिला सकता है। आपको अपने काम पर अपने आत्मा को पूरी तरीके से झिंझोर देना होगा। ज्यादातर लोग सफल लोगों को देखकर ये कहती है, उफ, अरे ये तो रातों रात सफल बन गया है। पर हमेशा से याद रखना, हर एक रातों रात खड़े हुए सफलता में मिनिमम 5 साल का मेहनत जरूरी होता है। आप अगर लंबे समय तक काम कर रहे हो पर आपको फल नहीं मिला है, तो फिर आपसे मेरी ये सलाह है कि बस काम करते जाओ। कुछ महीने में ही बस फल की इच्छा मत रखो। जब आप सालों से अपने लक्ष्य को पीछा करते जाओगे, आप बस यही कोशिशें करो कि आप कैसे अपना एक्सपीरियंस और स्किल्स को डेवलप करोगे। ये बात हमेशा से याद रखना, बड़ी चीजें होने में बड़ा समय जरूर लगता है। आपको बस अपने फील्ड के दानव बनने में ही गौर करना होगा। और इसीलिए आप अपना एक रूटीन बनाओ और अपने काम पर डिसिप्लिन रहो। आपके रूटीन और डिसिप्लिन ही आपको आगे लेकर जाएगा। आपके टैलेंट आपको ज्यादा दूर तक कभी भी नहीं ले जा सकता। आपके डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा।